जबलपुर में लगातार आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसी कड़ी में जबलपुर के आबकारी विभाग की टीम को सूचना मिली थी कि चांदमारी तलैया घमापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत दो अलग अलग घरों में अवैध शराब का कारोबार किया जा रहा है, जहाँ मौके पर तत्काल दबिश देते हुए दोनों घरों की तलाशी ली गई, जहाँ लीलाबाई कुचबंदिया और स्नेहा कुचबंदिया के घर से 25 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब आबकारी विभाग की टीम को मिली। वहीं 22 कुप्पों में भरा हुआ 750 लीटर महुआ लहान भी आबकारी विभाग की टीम को मिला, जहां आबकारी विभाग ने आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। सर आज क्या क्या कार्रवाई? सूचना प्राप्त हुई थी कि चांदमारी की तलैया घमापुर थाना अंतर्गत बहुत भारी मात्रा में कच्ची शराब का निर्माण किया जा रहा है। उक्त सूचना पर टीम गठित करके और अभी दबिश दी गई थी और एक आरोपी की तलाश जारी है। लाहन का मौके पर नष्टीकरण किया गया है और आरोपियों को गिरफ्तार कर जमानत एवं मुचल के पैर रखा गया है। लगभग कितनी मात्रा में लाहन और शराब बरामद हुई? 25 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब और 750 किलोग्राम महुआ लाहन, जो 20 डब्बे और 6 ड्रमों में भरा हुआ था।